भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन की ओर से शहर के 6 मंडल और मोर्चों की ओर से जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा जिस तरह के जन विरोधी फैसले लिए गए हैं और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों को लेकर आज राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, बेरोजगार को रोजगार मिले, किसानों के कर्जे माफ़ हो, बिजली की दरें कम हो और ये सारे जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस की राज्य सरकार जल्दी से जल्दी फैसला ले, इन्हीं बातों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। सरकार चारों क्षेत्र में असफल है, चाहे वो वैक्सीनेशन में हो, चाहे वो दलित अत्याचार में हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की जनता की समस्या हो जिनके समाधान के लिए लगभग विकास के सारे कार्य ठप हैं। विकास के कार्य इसलिए ठप हैं कि वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तरीय निर्णय लिया कि जिला केंद्र पर हम प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन करेंगे। इसी के तहत आज आए हैं। सरकार कई कमज़ोर लोगों के, रायपुर ऐसा क्षेत्र है जहां अकेले रायपुर में 4 केस हो गए, कोई न्याय नहीं मिल रहा है और कोई केस दर्ज नहीं हो रहे, और बार बार आग्रह कर रहे हैं हम कि भाई इनके निस्तारण के लिए प्रयत्न किया जाए, प्रशासन सक्रिय। माननीय जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन में हमने ये सारी बातें उनको ये कही गई है। हमारा विश्वास है कि ये प्रशासन ज्ञापन पर ध्यान देगी, और नहीं देंगे तो हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे जिसके माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे।